PT Education करके दिखाई दे, आसमां को छू लेंगे हम, हारेंगे ना कभी, कुछ करके दिखाएंगे हम, है सपना बस यही। We are the students of new generation, we gonna bring a revolution, PT Education करके दिखाई दे। So what is the topic for the day? बाप रे, बहुत खतरनाक टॉपिक लगता है। What do you know about the World War II? इतना टाइम तो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, मेन मेन कर लो। हाँ हाँ ओके ओके गुड गुड आइडिया। एनीवन एल्स? किसी और को कुछ पता है? एनीवे पहले कोड लिख लेते हैं, फिर वर्ल्ड वॉर शुरू करते हैं। पेपर टू, GS 1, यूनिट 5, लेक्चर 3। पेपर टू, GS 1, यूनिट 5, लेक्चर 3। एंड द टॉपिक एज वी हैव जस्ट सेड, वर्ल्ड वॉर टू। सो आई विल गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू फर्स्ट एंड देन वी विल गेट डाउन टू नोट्स मेकिंग एंड ऑल। पहले आपको एक पूरा ब्रॉड ओवरव्यू उसका मैं दे देता हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। ओके, व्हेन डिड द वर्ल्ड वॉर वन कम टू एन एंड? 1919। एंड व्हाट वाज द ट्रीटी दैट वाज साइंड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन? द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। कब साइन हुई थी? करेक्ट, जून 1919। मकसद ये था ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करने का कि जो लोग जीते थे एलाइड फोर्सेस, वो चाहते थे कि अब आगे शांति बनी रहे, दूसरा ऐसा वॉर कभी ना हो। लेकिन जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, द पार्टीज दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुड ऑल्सो बी मेड टू पे अ प्राइस, ऑल दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल, बट लार्जली एट दैट टाइम इट वॉज जर्मनी। तो भाई ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हो गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो इतनी ज्यादा एडवर्स थी, the conditions and the terms mentioned in the Treaty of Versailles were so adverse that ultimately Germany found it very difficult to pay back the reparations as they were called, युद्ध की पेनल्टी, reparations, war reparations। तो जर्मनी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, धीरे धीरे जर्मनी के फंड्स खत्म होना शुरू हो गए और जर्मनी को अमेरिका से बहुत सारा लोन लेना पड़ गया। अमेरिका वॉज काइंड इनफ टू एक्सटेंड अ लॉट ऑफ लोन्स टू जर्मनी। लेकिन 1929 में कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका को मजबूर होकर अपने सारे लोन्स वापस बुलाने पड़ गए। क्या हुआ था? क्या कहते हैं उसको? द ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में जिस तरह 2007 में अमेरिका में हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ, इन 1929 समथिंग वेरी रिमार्केबल हैपेंड इन अमेरिका। देर वर अ सीरीज ऑफ बैंक फेलियर्स एंड देर वॉज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। लाइन से बड़े बड़े बैंक फेल होने लग गए जिससे पैनिक फैलने लग गया और स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड थे उनके दाम बहुत तेजी से गिरने लग गए।
तो जिन लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था वो सब अपनी वेल्थ लूज करने लगे। इससे एक बहुत बड़ा सवाल अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो गया 1929 के बाद से कि अब हम हाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी। आफ्टर 2007 वी हैव सीन दैट द अमेरिकन फेडरल रिजर्व हैज यूज्ड अ लूज मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव ईजिंग, हमने देखा है ना, संख्यात्मक तरलता, मौद्रिक तरलता, कि खूब बॉन्ड बाइंग करो, किसी भी तरह इकोनॉमी रुकनी नहीं चाहिए। बट इन 1929 इसका उल्टा हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, दैट इज द फेडरल रिजर्व, दे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड द मॉनेटरी सिस्टम, तो उसका असर और एम्प्लीफाई हो गया और ग्रेट डिप्रेशन सब तरफ फैल गया अमेरिका में। लेकिन वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, ग्रेट डिप्रेशन स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका बहुत बड़ा असर कहां देखने को मिला? यूरोप। अक्रॉस यूरोप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग गए, फैक्ट्रीज बंद होने लग गई, एग्रीकल्चर आउटपुट घटने लग गया, लोगों की इनकम्स गिरने लग गई, माइनिंग के धंधे बंद होने लग गए, लॉगिंग के धंधे यानी पेड़ काटने के धंधे बंद होने लग गए, बेसिक फार्मिंग बंद होने लग गई, सब तरफ पैनिक फैल गया था। जब सब तरफ पैनिक फैलता है तब हमेशा अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन रिजीम्स को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। इस वक्त दुनिया में तीन ऐसी शक्तियां थी जो सिर उठा रही थी, द नाजी सोशलिस्ट पार्टी इन जर्मनी, द फासिस्ट पार्टी इन इटली एंड द जैपनीज एम्पायर। अब जब ग्रेट डिप्रेशन फैलने लगा तो इन तीनों को यह लगा कि अब बचने का एक ही तरीका है, एम्पायर बिल्डिंग करो। जिस तरह ब्रिटेन ने पिछले 400 सालों में एम्पायर बनाया था, वैसे जर्मनी को भी ऐसा लगा, इटली को भी सेपरेटली ऐसा लगा, और जापान को भी, इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है, सेपरेटली ऐसा लगा कि हमें साम्राज्य खड़े करने चाहिए। यहां से शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जन्म की, इस विचारधारा से। किस विचारधारा से? वी मस्ट बिल्ड एम्पायर, साम्राज्य बनाने चाहिए। तीनों ने, जापान ने, इटली ने और जर्मनी ने, अपने अपने गेम खेलना शुरू कर दिए। इनमें सबसे स्ट्रांग था जर्मनी, द सेकेंड स्ट्रॉन्गर वॉज जापान एंड द लीस्ट स्ट्रांग वॉज इटली, लीडरशिप के सेंस में बोलना। तो एक एक करके देखते हैं तीनों ने क्या किया और फिर इनसे लड़ाई कैसे हुई और कौन जीता कौन हारा। जर्मनी ने 1923 में हिटलर ने सत्ता में आने की कोशिश की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने आ रहा था तब जर्मन एम्पायर को समाप्त करके वाइमर रिपब्लिक की स्थापना की गई थी, यह आपको पढ़ाया गया होगा। तो जर्मनी में पहली बार एक नहीं, ये सब मैं लिखवाऊंगा अभी 5 मिनट के बाद, अभी आप पूरी कहानी समझ लो एक बार, बहुत बड़ी कहानी है वैसे ये, उसको शॉर्ट। जर्मनी में एक वाइमर रिपब्लिक बनाया गया था, WEIMAR। दिस वाइमर रिपब्लिक हैड साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, मिलिट्री हैड नॉट साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जर्मन मिलिट्री। तो हिटलर ने बाद में आके चीख पुकार मचाना शुरू की कि मिलिट्री ने थोड़े साइन किया था, ये तो सिविलियन गवर्नमेंट ने साइन किया था, धोखेबाज, जर्मनी का सिर कटा के रख दिया। तो लोगों को बहुत अपीलिंग लगी ये बातें, एंड स्पेशली बिकॉज जर्मनी को पेनल्टीज बहुत भरनी पड़ रही थी, तो सब परेशान वैसे ही थे, और स्पेशली क्योंकि 1929 के बाद जब अमेरिका ने अपने लोन्स वापस बुलाना शुरू कर दिए तो जर्मनी की कमर टूट गई। जर्मनी में एक तरफ था वाइमर रिपब्लिक जिसको जो लोग चला रहे थे, एक तरफ थे अल्ट्रा लेफ्ट विंग यानी कम्युनिस्ट,
और एक तरफ थे अल्ट्रा राइट यानी नाजी सोशलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी. तो तीन लोग लड़ रहे थे जर्मनी में आपस में. फाइनली तीनों में जीत हुई हिटलर की बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरेटोरियल स्किल्स. वो जर्मनों को यह समझाने में सफल हो गया कि मैं तुम्हें खोया हुआ सम्मान लौटा सकता हूं. उस वक्त कम्युनिस्ट भी बहुत स्ट्रांग थे जर्मनी में और जब वाइमर रिपब्लिक कोलैप्स हुआ तब नाजी और कम्युनिस्ट लगभग इक्वल मात्रा में पार्लियामेंट में थे. लेकिन उसके बाद हिटलर ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए कम्युनिस्टों को खत्म कर दिया. हिटलर को प्रेसिडेंट वॉन हिंडनबर्ग ने जब चांसलर बनाया उसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई. हिटलर ने कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस को यूज करते हुए प्रेसिडेंसी भी हथिया ली और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को ही उलट दिया और पार्लियामेंट में आग लगा दी. अब जब पार्लियामेंट ही जल के खाक हो गई राइस्टाग और वॉन हिंडनबर्ग की डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, अब मैं ही चांसलर हूं, मैं ही प्रेसिडेंट हूं, पार्लियामेंट बचा ही नहीं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा कर दिया, तो आई एम द सुप्रीम डिक्टेटर. जब यह सब चल रहा था ब्रिटेन एंड फ्रांस वर सिटिंग क्वाइटली, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, जबकि उन्हें उस वक्त दखल देना चाहिए था लेकिन उन्होंने दखल नहीं दिया. हिटलर ने धीरे धीरे जैसी सत्ता हाथ में आई ही स्टार्टेड मिलिटराइजेशन एंड रीआर्मामेंट एंड कॉन्स्क्रिप्शन. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में यह सब प्रतिबंधित था. जर्मन की सेना कभी भी 1,00,000 सोल्जर्स से ज्यादा नहीं हो सकती. जर्मनी कभी किसी और पे हमला नहीं कर सकता. जर्मनी कभी कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकता. हिटलर ने सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी. ब्रिटेन और फ्रांस देखते रहे, दे डिड नॉट इंटरवीन. हिटलर ने अब एक गेम प्लान बनाया. द गेम प्लान ऑफ हिटलर वॉज वेरी सिंपल, कंप्लीट डोमिनेशन ऑफ यूरोप, संपूर्ण यूरोप पर कब्जा. शुरुआत चेकोस्लोवाकिया से करते हुए पोलैंड में घुसते हुए नॉर्वे और डेनमार्क को छीनते हुए फ्रांस पे हमला करते हुए रशिया पे हमला करना, ये थी हिटलर की पूरी योजना. और उसमें एक और बहुत खतरनाक प्लान था कि फ्रांस पे कब्जा करते ही इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन को हथिया लेना. भारत को 1940 में आजादी मिल जाती अगर हिटलर ये कर पाया होता तो, क्योंकि ब्रिटेन पूरी तरह से टूट चुका था उस वक्त और बहुत मुश्किल से जान बचा के डनकीक से भागे थे ब्रिटिशर्स अपने देश वापस फ्रांस के पोर्ट पे से. बट एनीवे, हिटलर ने सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा किया. ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं बोले. पार्डन, यस, हिटलर ने वो सभी छोटे छोटे एरियाज को कब्जा करना वापस शुरू किया जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जर्मनी से वापस ले लिए गए थे. सुडेटनलैंड हो, राइनलैंड हो, ये सब पे हिटलर धीरे धीरे कब्जा जमाता गया. ब्रिटेन और फ्रांस चुप खड़े रहे. हिटलर की हिम्मत खुलती गई. उसने अपनी आर्मी बड़ी बनाना शुरू कर दी. उसने आर्म्स एंड एम्युनिशंस बनाना शुरू कर दिए. और फिर पोलैंड पे हमला करने के पहले उसने एक बहुत बड़ा गेम खेला. हिटलर साइंड अ पीस ट्रीटी विथ रशिया. रशिया वॉज वन ऑफ द एम्पायर्स दैट हैड कोलैप्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, याद है कि नहीं? लेकिन रशिया का कोलैप्स होते ही एम्पायर का वहां कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था. तो रशिया हैड बिकम अ कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर, वहां रेवोल्यूशन आ चुका था. हिटलर ने सबसे पहले रशिया के साथ इकोनॉमिक ट्रीटी साइन की कि भाई मैं आपको मशीनरी दूंगा, आप मुझे खाना देते रहना, यह हमारी दोस्ती. रशिया ने साइन कर लिया. फिर हिटलर ने एक दूसरी ट्रीटी साइन की. When I capture Poland, you will not attack me. और एक secret treaty sign की जो 1989 में Russia के collapse होने के बाद बाहर आई कि the moment I capture Poland, I'll give you a large part of Poland. And I will also give you Baltic states, Latvia, Lithuania, Estonia. In return, you will not attack me ever. Yes. So after the World War One, signing secret treaties was banned, means not permitted. That is what the
violation of the Treaty of Versailles was, right? And Britain and France were doing nothing. और जर्मनी ये करता चला जा रहा था. यही तो, इसी को तो वायोलेशन कह रहे हैं. रशिया चुप हो गया. जर्मनी ने मौका देखा, पोलैंड पे हमला कर दिया. When Germany attacked Poland, it was able to capture all of it. The Russians were very happy because they got almost half of Poland. जितना वेस्टर्न पोलैंड था, वो ईस्टर्न पोलैंड था, वो रशिया को दे दिया गया. साथ में लेटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया भी रशिया को दे दिए गए. और रशिया बदले में चुप. रशिया को ये पता ही नहीं था कि केवल दो साल बाद जर्मनी उस पर भी हमला करने वाला है. तब ये लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया बहुत काम आने वाले थे, क्योंकि वो सब पार करके जर्मन्स को आना पड़ा. वंस पोलैंड वॉज कैप्चर्ड, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी. पर तब तक देर हो गई थी. ब्रिटिश और फ्रांस, इन्होंने एक लाइन बनाकर अपनी आर्मी तैनात कर दी. एक लाइन हॉलैंड की तरफ से, एक लाइन फ्रांस की तरफ से, और जर्मनी वालों ने एक लाइन बना के, तो तीन तरफ से सेनाएं एक दूसरे को देख रही थी. कई महीनों तक कोई गोली नहीं चली. दिस वॉज कॉल्ड द फोनी वॉर, फर्जी युद्ध. कोई लड़ाई नहीं हुई. फ्रांसीसी और ब्रिटिश एक तरफ खड़े थे, जर्मन से एक तरफ, और बस एक दूसरे को देख रहे थे, और कोई लड़ाइयां नहीं हुई. अचानक एक दिन जर्मन्स ने हमला बोल दिया. Throughout the World War II, one of the most effective strategies which the Germans had adopted was sudden overpowering attack. इसको कहते हैं blitzkrieg. ये वर्ड इंग्लिश में आ गया उसके बाद. blitzkrieg का अर्थ है अचानक से हुआ बहुत भीषण हमला. तो उन्होंने suddenly फ्रांस पे हमला कर दिया. फ्रेंच और ब्रिटिश जान बचा के भागे. डनकिर्क नाम का एक बंदरगाह था, वहां से उन्होंने फ्रांस छोड़कर दौड़ लगा दी ब्रिटेन की तरफ. उस दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी बहुत झगड़े हुए, और ब्रिटिश सब छोड़ छाड़ के भागे ब्रिटेन की तरफ, और पूरे फ्रांस पे कब्जा हो गया जर्मन्स का. फ्रेंच लोगों ने सरेंडर कर दिया, और एक रेलवे कंपार्टमेंट में बैठ के पीस ट्रीटी जर्मन्स के साथ साइन कर दी गई. पूरा फ्रांस जर्मनी के कब्जे में आ गया. इसके बाद जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पे कब्जा कर लिया, और अब जर्मनी पूरी तरह से तैयार था रशिया पे हमला करने के लिए. 1949 में जर्मनी ने यह सोचा दैट दिस इज द राइट टाइम टू अटैक रशिया, एंड वी विल टेक मॉस्को बिफोर विंटर. सर्दियां आने के पहले हम मॉस्को हथिया लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने दो जगह भूल कर दी. एक तो उन्होंने यह भूल कर दी, रशिया बहुत बड़ा देश है. फिजिकली इट इज सो स्प्रेड आउट. जर्मनी बहुत छोटा है कंपैरेटिवली. आर्मी ने बहुत बड़ी गलती कर दी. सबसे पहले उन्होंने स्टालिनग्राड पे हमला किया. अब सेंट पीटर्सबर्ग है वो, और लंबी लड़ाई चली. दोनों तरफ से बहुत लोग मारे गए. इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैक्सिमम लॉसेस उठाए हैं सोवियत रशिया ने. मैक्सिमम पीपल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ डेथ ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री वर ऑफ विच कंट्री? सोवियत यूनियन. कई सालों तक यह युद्ध चलता रहा. स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद, फिर यूक्रेन और साउथ यूएसएसआर से हमला करते हुए अभी वो मॉस्को पे नहीं जा रहा था. लेकिन धीरे धीरे जर्मन्स थक गए और टूटने लगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी. फाइनल हमला कुर्स्क नाम के एक छोटे से जगह पे रशियंस ने किया, और उसके बाद रशिया की रेड आर्मी को जो इनिशिएटिव मिला तो वो बस आगे बढ़ती रही और जर्मन्स पीछे हटते रहे. इसका अंत 1945 में हिटलर की आत्महत्या के साथ हुआ. रेड आर्मी जो फिर कुर्स्क से आगे बढ़ी तो जर्मन्स को पीछे ही हटना पड़ा. उसके बाद बैटल ऑफ बर्लिन 1945, रशियन रेड आर्मी ने कब्जा किया था बर्लिन पे. एलाइज तो बहुत देर बाद आए थे, और अपने सिर के ऊपर सब तरफ रेड आर्मी को देख के हिटलर ने ईवा ब्राउन के साथ जॉइंट सुसाइड कर लिया था अपने फ्योरर बंकर में.
तो ये रशिया के फ्रंट पे चल रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस दौरान अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमको आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बेचो, हथियार, गोला बारूद, जहाज, हवाई जहाज हमको दो। कौन सा समुद्र पड़ता अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में? एटलांटिक ओशन। अब इस युद्ध का अगला थिएटर तैयार हो रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका सस्ते दामों पे हथियार कहां से भेजता था? एटलांटिक से। जर्मन्स ने अपनी सारी सबमरीन एटलांटिक में तैनात कर दी, उनका नाम था यूबोट, और यूबोट्स ने भयानक तबाही मचाई। इसको कहते हैं बैटल ऑफ द एटलांटिक। बैटल ऑफ एटलांटिक इसलिए लड़ी गई क्योंकि जर्मन चाहते ही नहीं थे कि वहां से, लेकिन आता रहा। और यूबोट्स भी डैमेज हुए, अमेरिकन्स का भी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका अभी तक युद्ध में नहीं कूदा है। अमेरिकन्स आर स्टिल नॉट अ पार्ट, एक्टिव पार्ट ऑफ द वॉर मशीनरी, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस बार बार उसको बोल रहे हैं कि आओ कूदो। और ब्रिटेन का मतलब है पूरा कॉमनवेल्थ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, साउथ अफ्रीका, और हिंदुस्तान तो था ही, हमारी मर्जी तो चलती ही नहीं थी, वो तो जबरदस्ती घसीट ले आते थे हमको। ये पूरा थिएटर ऑफ वॉर ऐसे चल रहा था। इधर जापान पूरे चाइना के मंचूरिया रीजन पे कब्जा कर चुका था, और पूरा साउथ में सिंगापुर, फिलीपींस इस तरफ घुस चुका था। जापान के एम्परर हिरोहितो का सपना था कि मैं पूरे पैसिफिक पे कब्जा कर लूं। इसी को तो कहते हैं एम्पायर बिल्डिंग। चाइना में उस वक्त दो पार्टियों में युद्ध चल रहा था, मैंने आपको पढ़ाया है। कौन सी दो पार्टियां? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर्सेस, यस, नो, एंड हु वाज द लीडर ऑफ द अदर पार्टी? बोलिए, इस तरह से भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? यस, सन्यास सेन की तो डेथ हो गई थी 1915 में, उनके सक्सेसर कौन थे? हाँ जी, बोलिए बोलिए, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? पूरा लेक्चर कराया गया आपको चाइना पे, भाई ऐसे भूलो मत। भूला, वक्त के साथ सब भूला, ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर कान पकड़ के याद दिलाना पड़ेगा। चियांग काईशेक, भूल गए नाम, बाद में कौन सी कंट्री बनाई थी उन्होंने? उनकी पार्टी का नाम था कुओमिंटांग, केएमटी। चाइना में केएमटी और चाइनीज पार्टी के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी के बीच युद्ध चल रहा था। व्हेन जापान अटैक्ड एंड टुक मंचूरिया, और भयानक अत्याचार किए चीनियों पे, जिंदा गाड़ने की प्रथा चालू कर दी। द मैसेकर ऑफ नानकिंग, हॉरिबल मैसेकर, जापानीज बहुत ही खराब थे। द वॉर बिहेवियर ऑफ जापानीज वॉज मोस्ट डेस्पिकेबल एंड रेप्रेहेंसिबल। कुछ समय के लिए कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग को समझ में आ गया कि हमें हाथ मिला लेना चाहिए, नहीं तो दोनों ही मारे जाएंगे। और वो एक पीरियड था जब केएमटी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दोस्त बन गए, क्योंकि उनका दुश्मन कॉमन था। कौन था? जापान। मिलके इन्होंने जापान से लड़ना शुरू किया। ये कहानी थी जापान की, यहां की। लेकिन ये जापान को हरा नहीं पाए। जापान की फाइनल हार तो 1944 और 45 में अमेरिकन धमकी के बाद ही आनी थी। जापान को यह सेंस होने लग गया कि पैसिफिक ओशन में हवाई के पास ओहाऊ द्वीप पर पर्ल हार्बर नाम के बंदरगाह में अमेरिका बहुत बड़ा जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है। पर्ल हार्बर जापान से 3000 मील की दूरी है समुद्र में, 3000 माइल्स फ्रॉम जापान इज द आइलैंड ऑफ ओहाऊ इन नॉर्दर्न हवाई। एक सीक्रेट मिशन के तहत जापान की नेवी ने बहुत बड़ा बेड़ा लेके डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, जंगी बेड़ा लेके 3000 मील की यात्रा शुरू कर दी। किसी को कानो कान खबर नहीं। दे वर फॉलोइंग zigzag routes ताकि किसी को शक नहीं हो जाए।
तब तो सैटेलाइट्स थे नहीं, तो सब zigzag चल रहे थे और मेजर शिपिंग लाइंस को अवॉइड करते हुए चल रहे थे, तो किसी को पता ही नहीं चला। और हवाई से 250 मील दूर इन्होंने लंगर डाल दिया। सुबह ठीक 7:15 बजे जापान के सैकड़ों हवाई जहाजों ने उड़ान भरी उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे से, और केवल 2 घंटे में पूरे पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया। द अमेरिकन्स डिड नॉट गेट अ मिनट टू फाइट बैक एंड द एंटायर पर्ल हार्बर विथ 7 big ships एंड क्लोज टू 200 फाइटर प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन द ग्राउंड एंड द अमेरिकन्स हैड नो आंसर टू दैट, दे जस्ट सॉ इट बीइंग डिस्ट्रॉयड। 10:00 बजते जापानीज लोग जापान की तरफ कूच कर चुके थे सब तबाही मचा के। दिस प्रॉम्प्टेड अमेरिका टू जंप फुल स्टीम अहेड इनटू द वॉर मशीनरी एंड टेक लीडरशिप ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सुप्रीम हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस वॉज क्रिएटेड इन ब्रिटेन, SHAEF। उनके नेता थे जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने। ड्वाइट डी आइजनहावर की लीडरशिप में सुप्रीम हेडक्वार्टर्स ऑफ अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस ब्रिटेन में बना दिया गया और अब तैयारी की गई जर्मनी इटली और जापान से निपटने की। समझ में आ गया कैसा पूरा सब गेम। शुरुआत हुई नॉर्थ अफ्रीका से, क्योंकि यूरोप की अंडरबेली है ना, नीचे का हिस्सा, जैसे कोई जानवर गाय खड़ी है तो उसके नीचे का जो हिस्सा उसको अंडरबेली कहते हैं। यूरोप की जो अंडरबेली थी इटली, वो सबसे कमजोर था। फासिस्ट पार्टी ऑफ इटली एक ड्रामेबाज पार्टी थी। बेनिटो मुसोलिनी एक ड्रामेबाज बड़बोला मूर्ख नेता था। जितना होशियार चालाक और क्रूर हिटलर था, उतना ही मूर्ख और बड़बोला बेनिटो मुसोलिनी था। यह एलाइस को पता था। शुरुआत हुई नॉर्थ अफ्रीका से, इटली पे हमला किया गया। 2 दिन में इटली पे कब्जा हो गया। बेनिटो मुसोलिनी जान बचा के भागा। मौका देख के हिटलर ने इटली पे चढ़ाई कर दी, बेनिटो को बचाया और नॉर्दर्न इटली में उसको एक कठपुतली राजा बना के बिठा दिया। अब इटली पूरा एलाइस के कब्जे में आ चुका है, वहां लड़ाई चल रही है। अब अगली कौन सी बड़ी जगह होगी जहां एलाइस कोशिश करेंगे हमला करने की। एक और बहुत बड़ा देश जर्मनी के कब्जे में था। एग्जैक्टली अगला बड़ा टारगेट था फ्रांस। फ्रांस पे 2 तरफ से हमला किया गया, साउथ और एक दूसरा सीक्रेट था, वो किसी को नहीं पता था हमला कहां से होना है, जर्मनी को सरप्राइज देना था। वो हमला किया गया नॉर्मंडी। जून में नॉर्मंडी एक बीच है। जर्मनी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि नॉर्मंडी के बीच पे फ्रांस में अमेरिकन्स कैनेडियंस ब्रिटिश एक साथ लैंडिंग करेंगे। हजारों लोगों को पैराशूट से उतारा गया और वहां से फिर ये घुसना शुरू हुए। दोनों तरफ से कई महीनों तक ये आगे बढ़ते रहे और फाइनली राइन नदी पे पहुंच गए, जो जर्मनी में एंट्री का पॉइंट था। समझ गए। इस बीच रशियन रेड आर्मी इस तरफ से आगे बढ़ती चली आ रही थी, यहां से एलाइज फ्रांस को तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ते चले आ रहे थे। अब जर्मनी सब तरफ से घिर चुका है। जापान अभी भी अकेला है, वो मस्ती कर रहा है वहां पे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। फाइनली राइन वॉज ब्रीच्ड एंड द एलाइज एंटर्ड जर्मनी। रशियन रेड आर्मी ब्रीच्ड बर्लिन और हिटलर अपने बंकर में चला गया। समझ गए। उसके बाद जो हुआ मैंने आपको बता दिया, दी डेथ ऑफ हिटलर एक्सेट्रा। हिटलर की मृत्यु की खबर आते ही, और हिटलर की मृत्यु के 2 दिन पहले बेनिटो मुसोलिनी को सड़क पे लोगों ने पकड़ के मार दिया था,
क्योंकि वो बच के भागने की कोशिश कर रहा था, तो इटली की जनता ने उसको पकड़ के फांसी पे लटका दिया था। उसके दो दिन बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली। द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हिटलर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड ऑल द जर्मन फोर्सेस सरेंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड। सो द एलाइड हैड गेन्ड अ मेजर विक्ट्री इन यूरोप। अब बचा था केवल जापान। अभी तक पहला एटॉमिक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट ट्रिनिटी एज पार्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट इन न्यू मेक्सिको व्हाइट सैंड टेस्टिंग रिसोर्ट नहीं हुआ था। याद है हमने पढ़ा उस बारे में? अभी वो चल ही रहा था। अभी तक पहला एटॉमिक टेस्ट सक्सेसफुली किया नहीं था अमेरिका ने। तो अमेरिका ने जनरल डगलस मैक आर्थर के नेतृत्व में जापान के नीचे एक आइलैंड है ओकिनावा, उस पर कब्जा कर लिया और अपनी बहुत बड़ी नेवी तैनात करके जापानीज लोगों को संदेश भेजा, सरेंडर और वी आर कमिंग टू डिस्ट्रॉय यू इन नवंबर। प्लान यही था। इस बीच खबर आई दैट प्रोजेक्ट ट्रिनिटी इज अ सक्सेस एंड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब has been exploded. Harry Truman immediately changed his strategy and sent a message to the Japanese, forget about November. I want you to surrender now. Japan ke Prime Minister Suzuki ne kaha, bolte rahe. Tera kaam hai bolna, tu bol, hum nahi sun rahe. Usne press mein aise hi jawab diya. We don't consider America important. Hamara kaam jari hai. दो चीजें एक साथ हुई। रशियन रेड आर्मी ने मंचूरिया पे हमला कर दिया और उसी दिन हिरोशिमा पे पहला एटॉमिक वेपन ड्रॉप किया गया। जापान में दो टुकड़े हो गए। जापानीज आर्मी में एक हिस्सा बोल रहा था सरेंडर 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 एंड द अदर पार्ट वाज सेइंग नो, आवर रिस्पेक्ट इज अ स्टेक, डोंट सरेंडर। तीन दिन बाद दूसरा एटॉमिक वेपन गिरा दिया गया। Finally, Emperor Hirohito for the first time came on radio and made a very pompous sounding announcement of typical regal language. We have chosen to endure the unendurable and suffer the insufferable for the sake of peace of coming generations. We surrender. And finally, the world war had come to an end. तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जर्मनी से एलाइड फोर्सेस वापस नहीं गए। जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा यूएसएसआर के साथ अलाइन हो गया, ईस्ट जर्मनी जिसे कहा गया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो बन गया कम्युनिस्ट, और दूसरा रह गया वेस्ट जर्मनी जो कैपिटलिस्ट बन गया, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इन दो के बीच एक दीवार बनाई गई, बर्लिन वॉल, और एक नया युद्ध चालू हो गया, कोल्ड वॉर, अगले 46 सालों के लिए शीत युद्ध। उसमें गोली एक भी नहीं चली शीत युद्ध में, लेकिन बस 46 ईयर्स तक। तो जर्मनी से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, सब फंस गए, अमेरिकन ब्रिटिश सब वहीं रह गए उनके ट्रूप्स, और उन्होंने फिर यह तय किया कि हम यहां से निकलेंगे नहीं। You will be surprised to know that Germany became a fully sovereign state in 1991 when the last of the foreign troops withdrew from Germany. Till that time, Germany, that is West Germany, was not a fully sovereign state. Ye hai Second World War ki puri kahani. Any questions before I start the lecture? ब्रॉड कहानी समझ में आ गई? आधा घंटा लग गया कहानी सुनाने में, क्योंकि वॉर भी उतना बड़ा ही था, बट बर्ड्स आई व्यू देना बहुत जरूरी था बिफोर आई गेट स्टार्टेड। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। काफी काम है इसमें, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन द्वितीय विश्व युद्ध। आई टुक हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन द होल स्टोरी सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट थिएटर ऑफ वॉर। काफी बड़ा थिएटर था वॉर का, जिसमें से कोई भी बच नहीं पाया था। द वेरी फर्स्ट थिंग, द वॉरिंग कैंप्स। हिंदी में कहेंगे युद्धक गुट,
द वॉरिंग कैंप्स. पहले तो लिस्टिंग कर लें कुछ बेसिक फैक्ट्स की, उसके बाद हम चलेंगे एक नोट लिखेंगे गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन सबसे पहले हम वॉरिंग कैंप्स बना लेते हैं. अभी तक के डिस्कशन से आपको समझ ही आ गया विच वर द टू पावर्स, एलाइस अर्थात गठबंधन ताकतें वर्सेस एक्सिस यानी धुरी ताकतें. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स थे, यहां हो गए एलाइज वर्सेस एक्सिस. लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा एक्सिस पावर्स में इनिशियली कोई गठबंधन नहीं था. जर्मनी का अपना सपना था एम्पायर बिल्डिंग, पहले चेकोस्लोवाकिया, फिर पोलैंड, फिर फ्रांस, फिर नॉर्वे एंड डेनमार्क, फिर रशिया. इटली का अपना सपना था इथियोपिया जिसको एबिसिनिया कहते थे. जापान का अपना सपना था मंचूरिया एंड पैसिफिक. इनमें आपस में कोई दोस्ती नहीं थी. द कंडीशंस ऑफ द वॉर फोर्स देम टू कम टुगेदर, अदरवाइज दे वर नॉट फ्रेंड्स विथ ईच अदर. क्योंकि मैंने कहा हिटलर वॉज अ जर्मन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट नाजी. बेनिटो मुसोलिनी वॉज अ फासिस्ट फासीवादी. कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे अक्सर आरोप लगाती ना बीजेपी के लोग फासीवादी हैं, तो ये फासीवादी क्या होता है? फासिस्ट. बेनिटो मुसोलिनी का फासिज्म ऑफ इटली, एक्सट्रीम राइट विंगिज्म. और जापान तो वो तो एम्परर हिरोहितो के अंडर चल रहा था सारा. आई होप दैट इज क्लियर. ये तीन बिल्कुल अलग ताकतें थी. तो एक्सिस से शुरू करते हैं. जर्मनी, ब्रैकेट में लीडर्स के भी नाम लिखते चले, एडोल्फ हिटलर 1923 में सत्ता में आने की कोशिश की, नहीं आ पाए. उसके बाद फाइनली 1933 में ही सत्ता में आ पाए जब प्रेसिडेंट वॉन हिंडनबर्ग ने उनको चांसलर अपॉइंट किया. कुछ समय बाद वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु होते ही इन्होंने प्रेसिडेंसी भी हथिया ली, राइस्टाग में आग लगवा दी. हालांकि इसका कोई सबूत नहीं कि इन्होंने आग लगवाई, बट इट इज सो कॉमन सेंसिकल. कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा कर दिया एंड बिकेम द सुप्रीम डिक्टेटर ऑफ द पीपल ऑफ जर्मनी. इटली, बेनिटो मुसोलिनी, फासिज्म. इटली में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरफ फासिस्ट लोग थे, एक तरफ एनार्किस्ट थे, एनार्किस्ट एक तरफ कम्युनिस्ट थे और एक तरफ सोशलिस्ट थे. केवल इनकी पार्टी के पास खुद की पैरामिलिट्री थी और उस पैरामिलिट्री की मदद से ये एनार्किस्ट से भी लड़ते थे, सोशलिस्ट से भी लड़ते थे, कम्युनिस्ट से भी लड़ते थे. और इसीलिए यहां के राजा ने फाइनली बेनिटो मुसोलिनी को बुला के सत्ता सौंपी थी कि तुम ही काबिल हो जो देश को संभाल पाओगे, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी. जापान, एम्परर हिरोहितो. चाइना का आज का बिहेवियर अगर समझना है तो आपको वर्ल्ड वॉर टू में जापान के हाथों चाइना ने जो मार खाई है उसको समझना पड़ेगा. द काइंड ऑफ टॉर्चर विच द जैपनीज डिड विद द चाइनीज एक्सप्लेन्स चाइनास प्रेजेंट बिहेवियर. क्योंकि चाइना हैड डिसाइडेड कि आज के बाद मैं किसी और को मौका नहीं दूंगा मेरे साथ ऐसा करने के लिए. और माओ से तुंग ने अपने कम्युनिस्ट स्ट्रगल के दौरान बहुत करीब से मंचूरिया में हो रहे अत्याचारों को समझा था, तो उन्होंने फिर यह प्रण ले लिया था कि अब कोई मुझ पे ऐसा अत्याचार नहीं कर पाएगा. दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई चाइना इज लेइंग सच एग्रेसिव क्लेम्स टू द आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी. क्योंकि चाइना जापान को ज्यादा से ज्यादा पीड़ा पहुंचाना चाहता है. क्योंकि चाइना को सब याद है जापान ने उसके साथ क्या क्या किया जिसका बदला वो कभी नहीं ले पाया. प्लीज रिमेंबर, अमेरिकन्स ने तो पर्ल हार्बर का बदला ले लिया, रशियंस ने भी बदला ले लिया, बट चाइनीज ने कहां बदला लिया? आई होप यू विल रिमेंबर दैट. साथ में यस, हू, हाँ हाँ बिल्कुल अभी आ रहे हैं उसके ऊपर सब, अभी बारीकियों में तो जाएंगे. साथ में कुछ माइनर पावर्स भी लिख लीजिए. दीज वर नॉट वेरी बिग पावर्स बट नॉनदलेस दे वर फाइटिंग अलोंग विद द एक्सिस पावर्स.
अब आ जाइए एलाइड पावर्स पे. नेचुरली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम अमेरिका विच वॉज ड्रैग्ड इन टू द वॉर, बट द अमेरिकन पब्लिक वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू फाइट दिस वॉर बिकॉज दे हैड सीन दैट वॉर कैन कम एट अ वेरी हैवी प्राइस. तो अमेरिका को तो जापान ने खींचा वॉर में पर्ल हार्बर, अदरवाइज अमेरिका शायद फुल फ्लेजेड कभी कूदता नहीं. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ब्रिटेन, सर विंस्टन चर्चिल, इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेविल चेंबरलेन और इनके बाद थे क्लीमेंट एटली. हमने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नेविल चेंबरलेन के बारे में भी पढ़ा है, विंस्टन चर्चिल के बारे में भी पढ़ा है और क्लीमेंट एटली के बारे में भी पढ़ा है, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945 लाने के पीछे काफी जिनका बड़ा हाथ था. 1947 यूके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह जो उन्होंने बनवाई थी वो सब क्लीमेंट एटली के निर्देशों पे ही काम हुआ था, बट वो आज का हमारा एजेंडा नहीं है. यूएसएसआर अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी, जोसेफ स्टालिन, जो अपने आप में सदी का सबसे बड़ा हत्यारा बाद में साबित हुआ, अपने ही देश के करोड़ों लोगों को गुलाग्स में भेज भेज के मार डाला. फ्रांस, चाइना. अब जरा मुझे जल्दी से ये बताइए, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड दीज फाइव नेम्स, वेरी क्विकली टेल मी. यस यस, वेरी गुड. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. ये पांच नाम देखते ही बताते आना चाहिए, दीज आर दी ओनली फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. हिस्ट्री से आज का मॉडर्न डे एक्सप्लेन हो रहा है ना भाई. जो पांच सबसे बड़ी ताकतें थी एलाइज की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशन बना और यही पांच बाद में डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी एक्सेप्ट किए गए आईएईए द्वारा, एनपीटी द्वारा, और यही पांच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं आज तक, which now is fairly anachronistic, but that's how it is. समझ में आ रहा है पूरा? यही पांच सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यही पांच वैध परमाणु ताकतें हैं दुनिया की, इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उनको यह ताकत मिली. यह आंसर है उसका. आई होप यू विल रिमेंबर दैट, और ये आपने लिख लिया होगा. अब ब्रिटेन के साथ उसका पूरा कॉमनवेल्थ ऑटोमेटिकली घसीट लिया गया. कॉमनवेल्थ में कौन कौन था भाई, नाम लिख लीजिए. कॉमनवेल्थ के नीचे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया. ऑल्दो इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ बिकॉज इंडिया वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन. द टॉप फोर, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वर फुल्ली इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ ब्रिटेन. आपको याद होगा द्वितीय गोल में सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली मांग ये रखी थी लंदन में, 1932 की बात कर रहा हूं, कि हमें फुल्ली इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए. याद आ रहा है? और ब्रिटेन ने बोला सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतना बड़ा रिच रिसोर्स ब्रिटेन कैसे छोड़ देता उस वक्त, और इसलिए भारत उस वक्त आजाद नहीं हुआ था. ये बाकी देश हो चुके थे तब तक, लेकिन ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे. आई होप दिस इज क्लियर. इसके बाद अगली लाइन में लिखिए, ये पूरी कहानी अभी तक की समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखिए. द थिएटर्स ऑफ वॉर, युद्ध की जगहें, यूरोप कॉमा पैसिफिक कॉमा एटलांटिक. एटलांटिक में क्यों हो रहा था भैया युद्ध? याद रहेगा, बैटल ऑफ एटलांटिक, गुड. और जर्मन्स क्या यूज करते थे? यू बोट्स, उनकी स्पेशल सबमरीन्स होती थी. एटलांटिक कमा साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व एंड
मेडिटेरेनियन एंड नॉर्थ अफ्रीका. उत्तरी अफ्रीका. एक लाइन छोड़ के लिखिए, द टॉप रिजल्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इसके सबसे टॉप लेवल रिजल्ट्स क्या हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख नतीजे, द टॉप रिजल्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एलाइड विक्ट्री, गठबंधन की विजय. सेकेंड, कोलैप्स ऑफ द थर्ड राइक. अब ये थर्ड राइक क्या था, जब एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के लोगों को यह बता रहा था 1920s में कि तुम्हारे साथ तो अत्याचार हो गया, तब एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी के लोगों को एक सपना दिखाया था. जर्मनी में अभी तक दो बार बड़े एम्पायर बने थे, पिछला बड़ा एम्पायर बिस्मार्क. मैं तुम्हें वादा करता हूं कि अगला बड़ा एम्पायर बनेगा और ये 1000 सालों तक चलेगा, द थर्ड राइक, एंड आई शैल बी द फ्यूरर, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ दिस थर्ड एम्पायर, द थर्ड राइक. ये हिटलर का वादा था. तो जर्मन्स बड़े मोटिवेट हो जाते थे कि हां हां हां. तो दूसरा लिखिए, कोलैप्स ऑफ द थर्ड राइक. आने वाले तृतीय साम्राज्य का पतन, कोलैप्स ऑफ द थर्ड राइक. हिटलर के लिए टाइटल था फ्यूरर. हिटलर ने जहां खुद को गोली मारी थी उस बंकर का नाम था फ्यूरर बंकर, द बंकर ऑफ द फ्यूरर. फ्यूरर यानी द सुप्रीम किंग. फ्यूरर हिटलर पे उसके लाइफ स्पैन के दौरान 44 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, ही एस्केप्ड ऑल. एक अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट उसकी मौत हो गई थी, बट ही नेवर डाइड इन एनी असैसिनेशन अटेम्प्ट. 44 टाइम्स ही एस्केप्ड. ऐसा नहीं था कि जर्मन आर्मी में सारे ही लोग पागल थे हिटलर के जैसे. बहुत सारे जर्मन ऑफिसर्स हिटलर से बहुत नफरत करते थे. कई बार विद्रोह हुआ, हिटलर उसको तुरंत कुचल देता था. जहां विद्रोह की भनक मिलती थी सबको गोलियों से उड़ा दिया जाता था, फिर भले ही उस पर 100 लोग मारने पड़े या 5000 लोग मारने पड़े. और ऐसा हिटलर ने जब तक वो जिंदा रहा, मरने के एक दिन पहले तक वो ये करता रहा. मरने के एक दिन पहले उसने अपने टॉप 2 कमांडर्स को नौकरी से बर्खास्त किया. वो तो बंकर में पड़ा हुआ था, उसके कमांडर ऊपर थे जमीन पे. उन्होंने इस पूरे कोलैप्स होते हुए एम्पायर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की. हिटलर ने जस्ट अ डे बिफोर हिज डेथ ही फायर्ड बोथ ऑफ देम, एंड बिफोर ही किल्ड हिमसेल्फ ही अपॉइंटेड हिज राइट हैंड मैन गोबेल्स एज द चांसलर एंड हिज लेफ्ट हैंड मैन डोनिट्स एज द प्रेसिडेंट. और जब हिटलर मर गया, गोबेल्स बहुत लॉयल था, उसने भी अपने पूरे परिवार को जहर देके खुद भी गोली मार ली. तो बच गया केवल कार्ल डोनिट्स, जो खुद को प्रेसिडेंट बताता हुआ सीना चौड़ा करके घूमता रहा. अमेरिकन्स उल्लू बनते रहे, अमेरिकन्स को लगा ये वाकई में प्रेसिडेंट है, तो वो कई दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा अमेरिकन्स को. जब भेद खुला तो फाइनली अमेरिकन्स ने उसको एक पैसेंजर शिप पे बुलाया और उसको बोला कि आप और आपकी पूरी तथाकथित गवर्नमेंट अंडर अरेस्ट है, क्योंकि आप कोई गवर्नमेंट हो ही नहीं. तो जाते जाते भी हिटलर हर तरह के गेम खेल के गया. थर्ड, फॉल ऑफ द जापानीज एंड इटालियन एम्पायर्स, जापानी व इतालवी साम्राज्यों का पतन. जापान के एम्पायर एम्परर कौन थे, हिरोहितो. और इनके आखिरी प्राइम मिनिस्टर वॉर टाइम के कौन थे, सुजुकी. उनके घर को जला दिया गया था. जब पहला एटॉमिक बॉम्ब गिरा तो आर्मी में 2 गुट बन गए. एक बोलता था सरेंडर करो मर जाएंगे, दूसरा बोलता था नहीं करो. तो जो बोलते थे सरेंडर करो, उन्होंने सुजुकी के घर पे हमला किया, उसके घर को जला दिया. और वो सब चल रहा था, इसी में दूसरा एटॉमिक वेपन भी गिर गया. तो फिर फाइनली उन सबके समझ में आ गई.
फोर्थ क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन. फिफ्थ इमर्जेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर एज द सोल सुपर पावर्स, अमेरिका व सोवियत रूस का सुप्रीम सत्ता के रूप में उदय. इसका मतलब किसी और का पतन हुआ होगा. किसका? एग्जैक्टली, ब्रिटेन. अरे भाई ये बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन थी? ब्रिटेन. जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहले तो फ्रांस से ब्रिटेन को भागने पर मजबूर किया. डनकीर्क से वो दुम दबा के भागे थे. उसके बाद व्हेन हिटलर हैड टेकन ओवर फ्रांस, उसका प्लान था ब्रिटेन. इनके तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए ब्रिटिशर्स के, कि अरे बाप रे अब क्या होगा. और इसने हमले की तैयारी कर ली. सिर्फ एक चीज से ब्रिटेन बच गया. जर्मनी के पास हमला करने के तीन तरीके थे. नेवी, लेकिन ये नेवी नॉर्वे और डेनमार्क पे कब्जा करने के चक्कर में बहुत कमजोर पड़ गई थी. हालांकि कब्जा हो गया था, लेकिन वहां ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत पीटा था इनको. तो जर्मनी की नेवी बहुत सिकुड़ गई थी. एक और बड़ा हमला करती तो खत्म हो जाती. तो हिटलर के हाथ बंद गए. अब नई नेवी बनाने के लिए 5 साल का समय तो लगेगा ना. दूसरा था एयर पावर. ये बड़ी स्ट्रांग थी. जर्मनी की एयरफोर्स का क्या नाम था, मिलिट्री एयरफोर्स का? लुफ्टवाफ. दिस वॉज वेरी स्ट्रांग. और तीसरा था ग्राउंड ट्रूप्स. लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स तो तब भेजे ना जब एक बार वहां कुछ कब्जा तो हो, नहीं तो बीच में तो समुद्र है, इंग्लिश चैनल है, कहां से जाएंगे. हिटलर ने नेवी को तो साइड में किया और लुफ्टवाफ को बोला हमला. अब लुफ्टवाफ रोज जर्मनी से निकले, लंदन पे जाए, ब्रिटेन पे जाए, बॉम्बिंग करे, वापस आ जाए. वुड गो टुवर्ड ब्रिटेन एंड लंदन, बॉम्ब कम बैक, गो बॉम्ब कम बैक. दिस वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ब्रिटेन की एयरफोर्स का नाम था, क्या नाम था, एनीवन? आज भी वही नाम है. क्या नाम है भाई? आरएएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यस, बस खत्म, रॉयल एयरफोर्स. तो ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स थी वो लुफ्टवाफ से लड़ते लड़ते इतनी थक गई थी कि उसके पायलट्स को नींद ही नहीं मिल पा रही थी. तो उन्होंने शिकायत की प्राइम मिनिस्टर से कि सर हम बिना नींद लिए लड़ने कैसे जाएं? कई कई हफ्ते गुजर गए, हमको सोने दो, वी आर फिजिकली टायर्ड. अब विंस्टन चर्चिल है नो आंसर, क्योंकि एवरी डे द जर्मन्स वुड कम. तो आरएएफ को फिर उड़ान भरनी पड़ती, अब उनको सोने का टाइम नहीं मिल रहा था. इस बीच जर्मनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी. जर्मनी के प्लेन्स ने ब्रिटेन में आके कुछ सिविलियन टारगेट्स पे बॉम्बिंग कर दी, नागरिक स्थलों पर. चर्चिल को गुस्सा आया, चर्चिल ने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर दिया जर्मनी जाओ और बर्लिन के सिविल इलाकों पे बमबारी करके आ जाओ. तो आरएएफ ने बर्लिन के सिविलियन इलाकों पे बमबारी कर दी. हिटलर आग बबूला हो गया, बोले ये बात तो ले. तो उसने लुफ्टवाफ को बोला उड़ा दो लंदन को, अब कोई बचे नहीं. अब देखिए कैसे कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है. लुफ्टवाफ ने उड़ान भरी, बोले आप नहीं छोड़ेंगे. फॉर 57 नाइट्स एट अ स्ट्रेच दे केप्ट बॉम्बिंग लंदन. आरएएफ को उड़ान भरने का मौका ही नहीं मिला तो सारे पायलट्स को अच्छा आराम मिल गया. लंदन बर्बाद हो गया, आरएएफ बच गई. और ये 57 दिनों के बाद आरएएफ ने जो पलटवार किया तो आधे लुफ्टवाफ को उड़ा दिया. सो देयर कैन बी वेरियस एस्पेक्ट्स टू अ वॉर. और ये जो गलती जर्मनी ने की, फिर पलट के ब्रिटेन ने हमला किया, फिर हिटलर को गुस्सा आया, फिर 57 नाइट्स की बॉम्बिंग, इसमें आरएएफ के लोगों ने चैन की सांस ली और फिर तैयारी के साथ हमला किया जिसमें लुफ्टवाफ को
बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से न फिर ये हो पाया न ये, और ब्रिटेन बच गया। इसी पर विंस्टन चर्चिल का ऐतिहासिक स्टेटमेंट आया था कि इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मौका रहा होगा जब इतने सारे लोगों ने कुछ इतने कम लोगों के प्रति इतना कुछ उत्तरदायित्व महसूस किया होगा। उसके कहने का मतलब था दैट देयर वुड बी वेरी फ्यू मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वेयर सो मेनी वुड ओ सो मच टू जस्ट सो फ्यू। ही वॉज रेफरिंग टू द आरएएफ, कि आरएएफ की वजह से आज ब्रिटेन जिंदा पड़ा, पूरा ब्रिटेन इनके प्रति कृतज्ञ है। दैट वॉज द आइडिया, नहीं तो ब्रिटेन पे भी कब्जा जर्मनी का हो जाता। एंड सिक्स्थ, कोल्ड वॉर बिगैन, शीत युद्ध की शुरुआत, ब्रैकेट नेक्स्ट 46 इयर्स, अगले 46 साल। तो बताइए कौन से 6 पॉइंट लिखे हैं आपने? टॉप लेवल डेवलपमेंट्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, फिफ्थ अमेरिका और सोवियत रूस का सुप्रीम सत्ता के रूप में उदय, और ब्रिटेन का कोलैप्स। ये जो कहानी मैंने आपको यहां सुनाई, ये मैंने इसलिए सुनाई कि ये सारी पिटाई होने के बाद ब्रिटेन एक कॉलोनियल पावर तो रह ही नहीं सकता था। यहां उसकी पिटाई हो रही थी और यहां महात्मा गांधी शांति से असहयोग कर रहे थे, नॉन वायलेंट। ब्रिटेन तो पागल हो गया होगा, मैं समझ सकता हूं कि वहां इतनी भयंकर लड़ाई, यहां आओ तो वो बिना कपड़ों में महात्मा गांधी बैठे दिखते थे। अहिंसक आंदोलन, उनको समझ ही नहीं आता होगा कि क्या करें, मतलब किससे लड़ें किससे ना लड़ें, पगला जाते होंगे ब्रिटिश लोग। उनके भी मन में कई बार आया होगा गांधी जी को बोले यार आप भी हथियार उठा लो यार, तो कम से कम एक ही तरह से लड़ू मैं सब तरफ, हर बार मुझे अपना मोड चेंज करना पड़ता लड़ने के लिए। इसलिए गांधी जी की स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी, इनको पगला दो, और लिटरली पगला ही दिया था उनको। अब एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन लिखिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। बड़ा मुश्किल है इसका संक्षिप्त वर्णन करना, पर हम कर देंगे एक पेज में। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर इस तरह का कोई एक बड़ा प्लेन वेनिला ब्लैंकेट क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है, अब आप लिख लीजिए। वर्ल्ड वॉर टू वॉज द डेडलीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर टू वॉज द डेडलीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध, विच लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945, जो 1939 से 1945 तक चला, इन्वॉल्विंग 1 करोड़ सोल्जर्स फ्रॉम 30 कंट्रीज, जिसमें 30 देशों के 1 करोड़ सैनिक शामिल हुए, फुल स्टॉप। द टू राइवल कैंप्स डैश एलाइज एंड एक्सिस पावर्स डैश, दो प्रतिद्वंद्वी गुट डैश गठबंधन एवं धुरी शक्तियां डैश फॉट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में लड़े। ज्यूस कलाकार लोग थे, हिटलर को पता था, उसने गुपचुप कार्यक्रम चलाया। उसने अपने कमांडर को बोला जितने भी इनमें से सबसे बढ़िया काउंटर फीटर्स हैं उनकी एक यूनिट बनाओ, नकली नोट बनाने की। ब्रिटेन पे तो मैं लुफ्त वापस से बमबारी कर ही रहा हूं, तुम जरा एक काम करो, तुम नकली पाउंड के नोट छपवाना शुरू करो। देयर वॉज अ होल यूनिट ऑफ ज्यूइश काउंटर फीटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द नाजीज, जो बस दिन रात बैठ के नकली पाउंड के नोट बनाते थे। इनके सिर पे रखी रहती थी बंदूक, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था बनाने से। ज्यूस के लिए हालत बहुत मुश्किल, वो तो कैच 22 सिचुएशन, नहीं बनाओ तो गोली खाओ, और बनाओ तो गोली खाओ ही खाओ, क्योंकि अगर बनाया तो ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा, तो ब्रिटेन हारेगा, तो जर्मनी जीतेगा, तो मौत निश्चित है।
तो जर्मनी का मकसद था पाउंड के नोट छाप छाप के समुंदर खड़ा कर दो और ब्रिटेन पे फेंक दो, तो ब्रिटेन की करेंसी वर्थलेस हो जाएगी। समझ में? अनफॉर्चुनेटली फॉर हिटलर ऐसा नहीं हो पाया, नहीं तो ब्रिटेन बहुत पहले बर्बाद हो चुका होता, हमारे लिए बहुत अच्छा होता। स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंक फेलियर्स, ये समझ में आ रही ना बातें आपको जो मैं बता रहा हूं कि नकली नोट क्यों छापे जाते हैं? नकली नोट आप खुद के एंजॉयमेंट के लिए तो छाप ही सकते हो, लेकिन असली में वो इसलिए नहीं छापे जाते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए छापे जाते हैं। बिकॉज द एंटायर इकोनॉमी स्टैंड्स ऑन ओनली वन पिलर, क्या बताया था मैंने? कॉन्फिडेंस। ध्यान रखना, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स के बाद भी यही हुआ था ना, क्रेडिट क्राइसिस क्यों आई थी? कोई किसी को क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं कि इसकी बैलेंस शीट में कितने सबप्राइम लोन पड़े हुए हैं, इसीलिए तो क्रेडिट क्राइसिस आ गया और चक्के रुक गए, फिर सरकार को कूदना पड़ा और डंडे मार मार के घुमाना पड़ा। थर्ड, यूएस फेड्स कॉन्ट्रैक्टिंग मनी पॉलिसी। अब यहां पे एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि तब कीनीजियन इकोनॉमिक्स का जन्म ही नहीं हुआ था, जॉन मेनार्ड कीन्स अभी तक सीन पे आए ही नहीं थे। कॉन्ट्रैक्टिंग मनी सप्लाई पॉलिसी, तो अमेरिकन फेडरल रिजर्व बहुत ज्यादा एक्सपांशनिज्म के मोड में नहीं था। अब उस वजह से क्या हुआ, दाम गिरने लगे, तो जिनके पास पैसा था उन्होंने बोला कि ये घड़ी आज 100 रुपए की है, कल 95 की हो गई, परसों 90 की हो गई, अरे अभी मत खरीदो, ये 50 की हो जाएगी, रुक जाओ। तो सबके पास, जिनके पास कैश था, वो भी सब पीछे हट गए। समझ में आ रहा? तो खर्चे होने ही बंद हो गए, तो पूरा फ्रीज हो गया सिस्टम। इकोनॉमी एक घूमता हुआ पहिया है, जब तक घूम रहा है बस तब तक घूम रहा है, जहां रुका तो चालू करने में पसीने आ जाते हैं। अब हुआ यह कि यह चालू तो यहां से हुआ था, लेकिन इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, ये पूरे विश्व में फैल गया, जबकि तब तक तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी कोई चीज आई ही नहीं थी। बट दिस वॉज अ जेन्युइन स्लो डाउन, जिसकी वजह से क्या क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, बड़ा कि घटा भैया, बहुत बड़ा। ग्लोबल ट्रेड क्या हुआ भैया, बड़ा कि घटा। मनी होर्डिंग बड़ा कि घटा, बड़ा। अभी बताया था ना 100 रुपए के नोट से कि मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पोहा, आज 20 रुपए का पोहा प्रति प्लेट है, कल 15 का हो जाएगा, कल ही खाऊंगा, जल्दी क्या है। दैट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ पुटिंग इट, बट एन इफेक्टिव वे। पेसिमिज्म निराशावादिता बढ़ी या घटी, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है ना, अभी जो भारत में इकोनॉमी को लेके हो गया है। एसेट प्राइसेस बढ़ी या घटी, घटी। फार्मिंग आउटपुट बढ़ा कि घटा, घटा। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा या घटा। अक्रॉस द वर्ल्ड दिस वॉज द कंडीशन। भारत में भी ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए कई जगह किसानों ने कर देने से मना कर दिया था, याद कीजिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड की दाम गिरने लगे, तो भारत में कई जगह किसानों ने आंदोलन कर दिया था, अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया था। एंड दिस फाइनली लेड टू द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स। इसकी वजह से दमनकारी नेतृत्व का उदय होने लगा। कम्युनल नहीं, कम्युनिस्ट। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इनका क्वेश्चन अच्छा है कि क्या इन चीजों से कम्युनिस्ट कंट्रीज को फर्क पड़ा। उसका आंसर ये है, द बेस्ट एग्जाम्पल हियर एट दिस पॉइंट इन टाइम वॉज यूएसएसआर। USSR
इसके ठीक कुछ सालों पहले कम्युनिस्ट बना था, बट कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट वहां जस्ट शुरू हुआ ही था, अभी वहां कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। एग्रीकल्चर का पूरा कम्यूनिंग होना, इंडस्ट्री कम्यून में कन्वर्ट होना, वो चल रहा था। ये जब हुआ तब जोसेफ स्टालिन अपनी सत्ता के संघर्ष में उलझे हुए थे, तो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है, और कहीं और तो कम्युनिस्ट देश थे ही नहीं। इसके बाद एक लाइन के बाद एक स्टेटमेंट लिखिए, इसका आपने टाइटल क्या दिया था इस पर्टिकुलर डायग्राम का, उस टाइटल के ठीक नीचे तारीख डाल लीजिए, 1929 टू 1945, डिप्रेशन 45 तक चला था। ऊपर जो टाइटल आपने डाल रखा है 1929 टू 1945, द डिप्रेशन लास्टेड टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। इसीलिए ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक 1945 में इसीलिए स्थापित किए गए थे कि आप डिप्रेशन की वजह से हम और समस्याएं नहीं चाहते। अब एक लाइन छोड़ के छोटा सा पैरा लिख लीजिए, हिटलर्स राइज टू पावर वॉज ऑन द प्लैंक, हिटलर का सत्ता में उदय वॉज ऑन द प्लैंक ऑफ इनजस्टिस डन टू जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। उदय इस तर्क पर आधारित था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था। वॉज ऑन द प्लैंक ऑफ इनजस्टिस डन टू जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, इस तर्क पर आधारित था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था, कॉमा एंड द इविल नेचर ऑफ ज्यूज, और यहूदियों का कुटिल व्यवहार। ये दो लॉजिक थे, एंड द इविल नेचर ऑफ द ज्यूज, फुल स्टॉप। हेंस अतः वंस इन पावर, सत्ता हाथ में आने के बाद ही स्टार्टेड, उसने यानी किसने, हिटलर ने मास कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, उसने बड़े निर्मूलन केंद्र बना डाले। ही स्टार्टेड मास कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स टू एलिमिनेट द ज्यूज, जिसमें यहूदियों को मारा गया, कमा एस्पेशली लोकेटेड इन पोलैंड, और ये ज्यादातर पोलैंड में थे। ये जितने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे इनमें से ज्यादातर इसने पोलैंड में बनाए थे। देखिए, ज्यूज आर वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, एंड वेन एवर अ नेशन बिकम्स वेरी वीक एंड पुअर, तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसके प्रति आता है, जो अमीर है। ये लॉजिक था। ज्यूज आर वेरी श्रूड पीपल, मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंकर्स आर ज्यूज, तो हजारों सालों से इनके पास पैसा बहुत रहा है, अपनी चतुराई से कमाया हुआ पैसा, उनके हक का पैसा, लेकिन दूसरों को फिर बहुत तकलीफ होती है इस वजह से। ये उसका बैकग्राउंड था। एक दूसरी कहानी और है जो प्रूव नहीं हो पाई। हिटलर को अपनी जवानी में एक ज्यूइश लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार फलीभूत नहीं हो पाया। ही हैड अ लव अफेयर, वन साइडेड लव अफेयर विद अ ज्यूइश गर्ल विच कुड नॉट कल्मिनेट इन टू मैरिज। Nobody knows what the real story was, but there is a faint mention in history of such a thing adversely affecting Hitler. और इसलिए हिटलर ज्यूज के प्रति पूरी तरह घृणा से भर गया था, ऐसा कहा जाता है। काश वो लड़की शादी कर लेती उससे। अगली हेडिंग दीजिए, ग्लोबल डिप्रेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आर्थिक महामंदी और विश्व राजनीति। ग्लोबल डिप्रेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आर्थिक महामंदी और विश्व राजनीति। फिर से आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें हम छह इंपैक्ट समझेंगे कि ग्लोबल डिप्रेशन का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा। सबसे पहले बीचों बीच लिख लीजिए, इंपैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बड़ा गहरा असर पड़ा। सबसे पहला,
मास अनएम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी एंड जापान. जर्मनी और जापान में व्यापक बेरोजगारी. डायवर्जनरी पॉलिटिक्स, भटका देने वाली राजनीति. एम्पायर बिल्डिंग, साम्राज्यवाद निर्माण. अब देखिए कितने मजे की बात है, जिस ब्रिटेन ने जर्मनी पे आरोप लगाया कि तुम साम्राज्यवाद कर रहे हो, वो खुद पिछले 300 सालों से क्या कर रहा था. तो इतिहास जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए किसी को भी सही और गलत बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है. जैसे हम आज चीन की इतनी बुराई करते हैं, उनके खुद के साथ क्या हुआ इतिहास में वो जाके देखोगे तो लगता है कि जो कर रहा है चीन बहुत अच्छा कर रहा है. सो हिस्ट्री इज अ वेरी लोडेड टॉपिक. जापान, इटली, जर्मनी. अब जर्मनी ने रशिया पे हमला ही सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हें इतनी जमीन की जरूरत क्या है, हम ले लेंगे इसमें से काफी सारी, हमारे पास जमीन कम है, हमें दे दो आधी जमीन. ये लॉजिक था उनका हमला करने का. ब्रिटेन एंड फ्रांसिस इनेबिलिटी टू रेजिस्ट वायलेशंस ऑफ वर्सेलिस ट्रीटी. ब्रिटेन और फ्रांस का वर्सेल संधि के उल्लंघन को रोकने में असमर्थता. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, क्योंकि जर्मनी बार बार उल्लंघन करते चला जा रहा था और ये दो आगे बढ़ के उसको रोक ही नहीं रहे थे, तो हिम्मत खुलती चली गई. बल्कि नेविल चेम्बरलेन ने तो जर्मनी जाके एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जर्मनी से छीना गया था हिटलर को वापस कर दिया था, ये बोलते हुए कि चलो अब आप खुश रहो, अब इसके आगे एम्पायर बिल्डिंग मत करना. तो हिटलर ने उसको उल्टा ही मैसेज समझा कि ये तो मुझसे डर गए. सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ नेशंस, हर देश अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ था. एंड लास्ट, अमेरिका कॉलिंग बैक हर लोन्स फ्रॉम जर्मनी. ये अमेरिका की मजबूरी थी. लेकिन इसने जर्मनी की कमर तोड़ दी. सो दीस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फॉलआउट्स. इसके नीचे लिखिए एक पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के. द डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी से उपजी बुरी परिस्थिति ने रिजल्टेड इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग्स द मासेस. द डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी से उपजी विपत्तियों ने रिजल्टेड इन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग्स द मासेस, जनता में निराशा और गुस्से को जन्म दिया. दिस लेड टू द राइज ऑफ, इसकी वजह से, दिस लेड टू द राइज ऑफ अल्ट्रा राइट विंग एग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज. इसकी वजह से अतिवादी राजनीतिक संगठन खड़े होने लगे. दिस लेड टू द राइज ऑफ अल्ट्रा राइट विंग, राइट डैश विंग पॉलिटिकल पार्टीज, एग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज. इसकी वजह से अतिवादी राजनीतिक संगठन खड़े होने लगे, कॉमा विच सेट द स्टेज फॉर वर्ल्ड वॉर टू, जिसने
द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी। तो ऐसा रातों रात नहीं हुआ है, ये तो बिल्डअप हो रहा है धीरे 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 धीरे। इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, एम्पायर बिल्डिंग, साम्राज्यवाद। उसमें तीन पॉइंट लिख लीजिए, जापान, एरो डालिए, मंचूरिया, साम्राज्यवाद। अब किसने कैसा किया, तीन पॉइंट में लिख लीजिए। पहला लिखिए जापान, आगे एरो डालो मंचूरिया, ब्रैकेट में चाइना। तो जापान ने मंचूरिया को हथियाया चीन में। अगली लाइन में लिखो जर्मनी, ईस्ट यूरोप, जर्मनी पूर्वी यूरोप और उसके बाद पूरी ताकत से पश्चिमी यूरोप भी, और फिर बाद में रूस। थर्ड इटली, एरो डाल के लिखो इथियोपिया, ब्रैकेट में लिखो एबिसिनिया, ए बी वाई एस एस आई एन आई ए, इथियोपिया को एबिसिनियन एम्पायर भी कहा जाता था। अगली हेडिंग दीजिए, द एलाइज इंक्लूडेड, गठबंधन में शामिल थे, द एलाइज इंक्लूडेड, गठबंधन में शामिल थे द लेटर डे फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, आने वाले दिनों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य। द एलाइज इंक्लूडेड द लेटर डे, लेटर डैश डे, फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, गठबंधन में शामिल थे आने वाले दिनों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य, नेमली, नेमली को कैसे लिखते हैं, विज, वी आई जेड डॉट कॉमा, वी आई जेड डॉट कॉमा, नेमली यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना एंड यूके, अर्थात अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, फुल स्टॉप। द एक्सिस पावर्स, धुरी शक्तियां थीं, द नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी कमा, फासिस्ट इटली, फासीवादी इटली, द नाजी जर्मनी, एन ए जेड आई जर्मनी कॉमा, फासिस्ट इटली, फासीवादी इटली एंड इंपीरियल जापान, साम्राज्यवादी जापान, एंड इंपीरियल जापान, फुल स्टॉप। ऑल द पावर्स हैड देयर ओन रीजंस टू फाइट, सभी शक्तियों के लड़ने के अपने अपने कारण थे। जिस तरह महाभारत में भी सबके लड़ने के कारण तो अलग अलग थे, कोई भी वहां पे कौरवों और पांडवों के लिए तो लड़ने आया नहीं था। जो पांडवों की तरफ से लड़ने आए उन्हें कौरवों की तरफ से जो कुछ लड़ रहे थे उनसे हिसाब चुकता करने थे, एंड वाइस वर्सा। तो हर युद्ध में मेन जो दो लोग लड़ते हैं, लड़ाई तो केवल उन्हीं की होती है, बाकी के लोग तो अपने अपने व्यक्तिगत मुद्दे सुलझाने आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बड़ी लड़ाई से। महाभारत का 17 दिनों का युद्ध हमें यह सबक देके जाता है। महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी चॉइस किसे और क्या करनी थी, क्या चॉइस थी? नो, उससे पहले भी एक बहुत बड़ी चॉइस करनी थी। द बिगेस्ट चॉइस टू बी मेड इन द वॉर ऑफ महाभारत, which is a choice all of us have to make in our lives, that was no choice, it was the order of mother, mata ji ka aadesh tha ki tum jo bhi vastu laaye ho aapas mein baant lo, unhone ye nahi socha tha ki wo vastu nahi hai, wo jeeta jagta insaan hai Draupadi, lekin paanchon beton ne mata ki ichcha ka samman karte hue Draupadi ko patni swikar kiya, wo mana bhi kar sakte the, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पत्नी स्वीकार किया और द्रौपदी ने पूरे सम्मान से उस निर्णय को स्वीकार किया। वो चॉइस नहीं थी, वो तो ऑर्डर था माता का। चॉइस कौन सी थी सबसे बड़ी? नोप, नोप, गुड ट्राई, आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, लेकिन मेरा आंसर बताइए। एक्सीलेंट, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। यस,
ये हम सबके लिए लाइफ में एक ना एक मौका ऐसा आता है, समझ लीजिए क्या था। दुर्योधन और युधिष्ठिर, इन्हें चॉइस दी गई थी कृष्ण के द्वारा, मैं हूं और सारी सेनाएं हैं, तुम्हें क्या चाहिए, या तो मुझे ले लो या सारी सेना ले लो तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए। दुर्योधन चोज द आर्मी एंड युधिष्ठिर चोज कृष्णा। हमारे जीवन में भी हमें कई बार ऐसे बड़े डिसीजंस करने पड़ेंगे, चूजिंग द राइट पाथ वर्सेस चूजिंग अ रिसोर्स रिच पाथ, और हम क्या चूज करते हैं उस पर हमारी लाइफ का एंड डेस्टिनेशन तय होता है। तो यह महाभारत का बहुत बड़ा सबक है। ऑल द पावर्स हैड देयर ओन रीजंस टू फाइट बट इट बिकेम अ कॉमन ह्यूमन ट्रेजेडी। सभी शक्तियों के लड़ने के अपने अपने कारण थे, किंतु यह एक संयुक्त मानव त्रासदी बन गई। बट इट बिकेम अ कॉमन ह्यूमन ट्रेजेडी फुल स्टॉप। फ्रॉम 1939 टू 1941, 1939 से 1941 तक कमा, द एक्सिस पावर्स हैड द अपर हैंड इन यूरोप। धुरी शक्तियों का यूरोप में प्रभुत्व बना रहा। अक्रॉस यूरोप कमा एंड पैसिफिक एंड ईस्ट एशिया, और पैसिफिक व पूर्वी एशिया में भी हैड एन अपर हैंड अक्रॉस यूरोप एंड ऑल्सो द पैसिफिक एंड ईस्ट एशिया, एवं पैसिफिक और पूर्वी एशिया में भी। वहां तो जापान किसी को घुसने ही नहीं देता था, और जैपनीज आर्मी भयंकर ब्रूटल आर्मी। और मैंने आपको बताया चीनी लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे थे, उनका खुद का सिविल वॉर चल रहा था। कौन से दो गुट थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड केएमटी कुओमिंटांग। नेता कम्युनिस्ट पार्टी के कौन थे? माओ त्से-तुंग। और केएमटी के? चियांग काई-शेक। एक सेकंड लगता है ट्यूबलाइट जलने में, पर जल जाती है फाइनली, फुल स्टॉप। बट या विच वन? हाँ, चियांग काई-शेक। कहाँ गलती है इसमें बताइए? नहीं, बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग, एक्सेप्टेबल है स्पेलिंग्स। मैं आपको डेंग जाओपिंग, इनकी दो स्पेलिंग्स हैं। पहली स्पेलिंग ये है, बट इनकी एक स्पेलिंग और है, ठीक है। माओ त्से-तुंग की दो स्पेलिंग्स हैं, पहली स्पेलिंग ये है माओ त्से-तुंग, जो चीनी लोग ओरिजिनली प्रोनाउंस करते हैं वो बहुत अलग प्रोनाउंसिएशन है, माओ त्से-तुंग, दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस इट, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, बट द वेस्टर्नर्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट सो दे चेंज इट, माओ त्से-तुंग। आप चाइना जाके किसी को बोलोगे माओ त्से-तुंग तो वो समझ ही नहीं पड़ेगा, उनका प्रोनाउंसिएशन माओ त्से-तुंग एकदम अलग रहता है। तो ये एक्सेप्टेबल है स्पेलिंग्स, मल्टीपल स्पेलिंग्स होती हैं। बट आफ्टर दैट, किंतु उसके पश्चात, दे वर डिफीटेड एवरीवेयर बाय द एलाइज, उन्हें सब तरफ गठबंधन ने परास्त किया। कॉमा एंड हैड टू बीट स्ट्रेटेजिक रिट्रीट्स, और उन्हें रणनीतिक वापसी करनी पड़ गई फुल स्टॉप। द फाइव मेजर एलाइज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड पावर्स, पांच गठबंधन सेनाएं या शक्तियां विश्व शक्तियां बनकर उभरी। कॉमा एंड टिल डेट, और आज तक रिमेन द ओनली परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, और आज तक सुरक्षा परिषद के केवल ये ही स्थायी सदस्य हैं। कॉमा एन एनाक्रोनिस्टिक सिचुएशन, जो कि एक विरोधाभासी स्थिति है, क्योंकि क्या हुआ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ ना, नहीं तो अगले परमानेंट मेंबर निकल के आते। अब ये जो फिक्स हो गए हैं तो इनको हिलाएगा कौन, जब तक
कोई बड़ा धमाका नहीं होगा, ये कोई खुद होकर छोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, इसके नतीजे क्या हो रहे हैं वो हमने अभी सीरिया के केस में देखा कि किस तरह सीरिया ने बुरी तरह से लिबर्टी ले ली और कोई कुछ नहीं कर पाया। द बर्थ ऑफ द यूएन वॉज एन अटेम्प्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म एक प्रयास था। द बर्थ ऑफ द यूएन वॉज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड सच अ ग्लोबल ब्लडशेड इन द फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म एक प्रयास था कि भविष्य में ऐसा खून खराबा ना हो। वॉज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड सच अ ग्लोबल ब्लड शेड इन द फ्यूचर, फुल स्टॉप। स्लोली, ताकि भविष्य में ऐसा खून खराबा फिर से ना हो, फुल स्टॉप। स्लोली कॉमा आफ्टर 1945 कॉमा धीरे धीरे 1945 के बाद यूरोपियन पावर्स डिक्लाइंड इन इंफ्लुएंस, यूरोपीय शक्तियों का वर्चस्व कम होने लगा एंड डीकोलोनाइजेशन हेसंड और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। डीकोलोनाइजेशन हेसंड, HASTENED, हेसंड यानी तेजी पकड़ ली, डीकोलोनाइजेशन हेसंड, फुल स्टॉप। अ कोल्ड वॉर विच लास्टेड 46 years, 46 वर्षों तक चलने वाले एक शीत युद्ध ने ऑल्सो बिगैन, जन्म लिया कॉमा, एंडिंग ओनली विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1990, जिसका अंत सोवियत रूस के विघटन के साथ ही 1990 में हुआ। अ कोल्ड वॉर विच लास्टेड 46 years ऑल्सो बिगैन कॉमा एंडिंग ओनली विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1990, जिसका अंत सोवियत रूस के विघटन के साथ 1990 में ही हुआ, फुल स्टॉप। आखिरी लाइन, द लेसन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध के सबक, हैव ओनली बीन पार्शली लर्न, केवल आंशिक रूप से ग्रहण किए गए हैं। एज वी विटनेस रेडिकल वायलेंस एवरीवेयर, क्योंकि हम आज भी विश्व भर में भीषण हिंसा देखते हैं, क्योंकि हम आज भी विश्व भर में भीषण हिंसा देखते हैं। अगली हेडिंग दीजिए, द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी। आप एक चीज पर ध्यान देंगे, 2007 का अमेरिकन हाउसिंग मार्केट कोलैप्स जो हुआ, उसके बाद जिस तेजी से अमेरिकन गवर्नमेंट ने और फेडरल रिजर्व ने टार्प लाया, ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम $750 billion का, और उसके बाद फेडरल रिजर्व को आदेश दिया गया क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू कर दो और रुकना नहीं है, फिस्कल स्टिमुलस दो, क्वांटिटेटिव, ये सब, ये इन सबकों की वजह से, समझ में आ रही बात। अब हम जो देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन, इसमें जो हुआ उससे सबक सीख के अमेरिका ने 2007 के बाद जो रिकवरी मेजर्स लगाए कि कुछ भी हो इकोनॉमी को रुकने मत देना, बिकॉज जैसे ही वैसा हुआ अगला हिटलर जन्म ले लेगा। हिटलर के पैदा होने की पहली शर्त होती है वाइड स्प्रेड एनार्की, बड़े स्तर पे फैली हुई अराजकता। उसी के बीच एक नेता अपनी जगह बना सकता है ना, अगर सब कुछ डिसिप्लिन्ड हो तो कोई नया नेता अपनी जगह कैसे बनाएगा। तो एक नए नेता के लिए स्पेस तब क्रिएट होती है जब चारों तरफ अविश्वास, हिंसा, गरीबी, अराजकता, जो कि भारत में आज की स्थिति है। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हम महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाम का इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है हर चीज पे कि हम उसके परे जाके देख ही नहीं पा रहे हैं। बट अगर ये पर्दा एक मिनट के लिए उठा लिया जाए तो
तो उसके नीचे स्थिति बिल्कुल वही मिलेगी जो ये इन देशों में थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की। नहीं तो राइट टू फूड बिल लाना पड़ता क्या? नहीं लाना पड़ता ना, बस ये प्रूफ है। अब एक डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बनाना है आपको, नॉर्मल पोर्ट्रेट पेज भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस ग्रेट डिप्रेशन, अमरीकी आर्थिक महामंदी, ये शुरुआत हुई सितंबर अक्टूबर 1929 में। अब इससे क्या क्या हुआ? अमरीकी स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो गए, देखिए एक बात समझिएगा, कोई भी आर्थिक व्यवस्था केवल एक चीज पर टिकी होती है और उस एक चीज का नाम है कॉन्फिडेंस। मैंने क्लास में पहले बताया है, मेरे पास अगर एक नोट है मैं बड़ा खुश हूं, आई फील द वॉर्मथ इन माय हैंड, वाओ 100 रुपीज नोट, आज संडे है, पोहे जलेबी कचौरी सब हो जाएगा, बिकॉज आई हैव अ कॉन्फिडेंस, ये जब मैं दुकानदार को दूंगा वो बिना सवाल पूछे मुझसे ले लेगा। आप बस इस कॉन्फिडेंस को हिला दो और फिर चमत्कार देखो। पाकिस्तान यही तो कोशिश कर रहा है ना, इतने नकली नोट भेज दो भारत में कि कोई 100 रुपया लेते वक्त भी बोले भाई साहब एक मिनट हाँ, तो आप हिल जाओगे कि यार क्या हो रहा है। 500 और 1000 का नोट कोई ऐसा चेक करता है तो ही तकलीफ होती है, तो अगर 10-10, 20-20 रुपए के नोट ऐसे चेक होने लग जाएंगे, दैट्स द रीजन काउंटर फिटिंग इज डन। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत अच्छी मूवी भी बनी है इसके ऊपर, द काउंटर फीटर्स, जर्मनी और हिटलर का एक बहुत परम उद्देश्य क्या था, किन लोगों का खात्मा? यहूदी लोगों का खात्मा। जर्मनी में हिटलर ने ये सारी जो घपलेबाजी की तो इसके पीछे इसका तो हाथ था ही, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का तो हाथ था ही, अलाई ताकतों का दमनकारी व्यवहार, लेकिन उसके अलावा उसने एक गेम और खेला कि ये जितने यहूदी लोग हैं जूश बड़े बुरे लोग हैं, देखो कितने मोटे हो गए पैसा खा खा के, हम सब का पैसा खा गए, सारी दुनिया में खा रहे हैं और एलाइट लोगों को यही सब पैसा देते हैं, इनको तो दुनिया से उठा देंगे। और इसलिए जब पोलैंड पे कब्जा किया तो सबसे पहले वहीं पे निर्मूलन केंद्र बनाने शुरू किए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, लाखों की तादाद में ट्रेनों में गाय बकरियों की तरह भर भर के जूस को लाया जाता, कपड़े उतार के गैस चेंबर के सामने खड़ा करके गैस दे के मार दिया जाता, सालों तक चलता रहा और फिर उनकी बॉडीज को जला दिया जाता। लेकिन जूस थे बड़े इंटेलिजेंट, जूस हैं बड़े इंटेलिजेंट। ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, वर्सेल संधि का इंपैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ऑन द राइज ऑफ नाजीज, वर्सेल संधि का नाजी उदय पर प्रभाव। अब नाजी कैसे सत्ता में आए, एक डायग्राम ही ऊपर वाला आपको बनाना है, गोल वाला, नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड में बना लेंगे। हिटलर सत्ता तक कैसे पहुंचा, टाइटल दीजिए ऊपर, इंपैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ऑन द राइज ऑफ नाजी, वर्सेल संधि का नाजी उदय पर प्रभाव। सबसे पहले लिखिए वर्सेल्स संधि, June 28, 1919, वर्ल्ड वॉर वन एंड्स, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब जाके ये संधि पे हस्ताक्षर हुए। लेकिन अब एक बिल्कुल अलग घटना चक्र शुरू हो जाएगा, वो घटना चक्र बनाना शुरू कीजिए। अ सीवियर पनिशमेंट टू द जर्मन पीपल, जर्मन लोगों के लिए एक घोर सजा,
जर्मन लोगों के लिए एक घोर सजा, द न्यूली फॉर्म्ड वाइमर गवर्नमेंट हैड साइंड इट, नॉट द मिलिट्री. हाल ही में बनी वाइमर सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, सेना ने नहीं. ये लॉजिक दिया जाता रहा. वाइमर रिपब्लिक सरकार थी जो बड़ी कठिन परिस्थितियों में बनाई गई थी. तो नाजीस को यह बहुत अच्छा मौका मिला लोगों को भड़काने का कि यह कौन है वाइमर, यह वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, सेना का तो कर ही नहीं रही है. ह्यूज पेनल्टीज कॉल्ड वॉर रेपरेशंस, युद्ध की पेनल्टी के रूप में, ह्यूज पेनल्टीज कॉल्ड वॉर रेपरेशंस, युद्ध की पेनल्टी के रूप में गठबंधन को बहुत पैसा मिला. एंड और उसके अलावा थर्टीन% टेरिटरी वॉज लॉस, जर्मनी की 13% टेरिटरी चली गई, प्लस ऑल जर्मन कॉलोनीज वर लॉस्ट. जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए. इसी दौरान राइनलैंड एरिया में फ्रेंच इन्वेजन हुआ. फ्रेंच चाहते थे कि अपने और जर्मनी के बीच में यह गैप बना के रख सकें. हाइपर इन्फ्लेशन, तीव्र मुद्रास्फीति, करेंसी ने वैल्यू छोड़ दी, और अमेरिकन लोन्स की रिकॉलिंग, यस, जर्मनी नहीं नहीं जो जो हारे थे सबसे, बट सबसे ज्यादा जर्मनी से, क्योंकि सबसे मजबूत वही था. फिर उसके बाद आया फ्रेंच इन्वेजन, राइनलैंड, हाइपर इन्फ्लेशन, तीव्र मुद्रास्फीति, और अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन के बाद लोन्स को वापस बुला लेना. इनफैक्ट सॉरी, यहां पे लिखिए अमेरिकन लोन्स. अमेरिका ने अभी लोन देना शुरू किया, अभी ग्रेट डिप्रेशन आया नहीं है, उसके पहले का बता रहा हूं. जर्मनी फिर से कोलैप्स नहीं हो जाए इसलिए अमेरिका ने लोन्स देना शुरू किए, जिससे जर्मनी थोड़ा थोड़ा खड़ा हो गया. बट अब ग्रेट डिप्रेशन आया और क्या हो गया, अमेरिका कॉल्ड बैक इट्स लोन, अमेरिका ने अपने लोन वापस बुला लिए. इस वजह से वाइमर रिपब्लिकन गवर्नमेंट पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गई, और जर्मनी में दो अतिवादी संगठन एकदम ऊपर आ गए. पहले थे कम्युनिस्ट और दूसरे थे नाजी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट, जिनमें फाइनली हिटलर प्रिवेल्ड बिकॉज ऑफ हिज ट्रेमेंडस ऑरेटोरियल स्किल्स, और कम्युनिस्टों का सफाया कर दिया. Rise of the Nazis and Communists, नाजियों एवं साम्यवादियों का उदय, और काफी कोशिश, हिटलर को समझ में आ गया कि मैं सत्ता हथियाने का रास्ता लोकतंत्र से ही जाता है, तो चुनाव तो लड़ने ही पड़ेंगे. इसलिए हिटलर पहले डेमोक्रेट बन गया, 10 साल तक पूरा ड्रामा किया उसने, सारे चुनाव लड़े, सब किए, और पार्लियामेंट में मेजोरिटी के साथ आए,
और एक बार पार्लियामेंट में आ गए उसके बाद तो सारा खेल आसान था. हिटलर अपॉइंटेड चांसलर, जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया गया. यह हुआ 1933 में और प्रेसिडेंट वॉन हिंडनबर्ग ने इन्हें चांसलर अपॉइंट किया था. और यह होने के कुछ ही समय बाद वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हिटलर पूरी तरह से निरंकुश हो गया. उसने किसी और को प्रेसिडेंट बनने ही नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को उलट दिया और पार्लियामेंट अर्थात राइक्सटाग में आग लगा दी. पूरा समझ में आ गया चक्री कैसे चली. अब अगली हेडिंग दीजिए, राइज ऑफ हिटलर एंड इनएक्शन ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन टू स्टॉप हिम. हिटलर का उदय एवं ब्रिटेन और फ्रांस का उसे रोकने में असफल रहना. These eight steps will tell us how Hitler rose to power. आप इनको एक स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हैं या आपके हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं. ये आठ स्टेप्स हैं अलग अलग जो हिटलर ने चले थे. सबसे पहले द सार प्लेबिसिट. सार एक जगह का नाम था जो जर्मनी से ले ली गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 15 साल तक ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे के लिए. नाजी लोगों ने वहां एक जनमत संग्रह करवा दिया वहीं के लोगों से, सार प्लेबिसिट 1935. और सार प्लेबिसिट में मेजॉरिटी ने यह बोला हमें जर्मनी से मिला दो. ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं किया, यह नासियों की चाल थी और उन्होंने सार में जनमत संग्रह करवाया. इससे जो हिम्मत खुली तो हिटलर स्टार्टेड कॉन्स्क्रिप्शन एंड रीआर्मामेंट. कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? ये भी 1935 में. क्या होता है भाई कॉन्स्क्रिप्शन? एनीवन? स्क्रिप्ट तो मतलब लिखना, कौन यानी साथ में, तो क्या होता होगा कॉन्स्क्रिप्शन? मिलिट्री में जबरन सेवा देने के लिए बाध्य करना. हर आदमी के लिए मिलिट्री में निश्चित सेवा देना अनिवार्य होगा, दैट इज कॉन्स्क्रिप्शन. जब भी किसी देश पर भयानक विपत्ति आती है तो वो कॉन्स्क्रिप्शन करता है, सबसे पहले सेना बनाता है और उसमें कंपलसरी है, करना ही है सेवा. कॉन्स्क्रिप्शन यानी युद्ध के लिए सेना में रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्क्रिप्शन. तो ये तो वर्सेल्स का सीधे सीधे उल्लंघन है ना. इसमें तो बोला हुआ है अपनी सेना नहीं बढ़ाओगे तो आप तो कॉन्स्क्रिप्शन लगा रहे हो. वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि सेना बड़ी की जा सके. एंड रीआर्मामेंट, फिर से पुनः सशस्त्रीकरण. कैप्चर ऑफ राइनलैंड बाय हिटलर 1936. कैप्चर ऑफ राइनलैंड, यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की भूमि थी जो फ्रांस ने खुद की सुरक्षा के लिए हथिया के रखी थी. राइनलैंड इट वॉज कैप्चर्ड बाय हिटलर. ब्रिटेन और फ्रांस ने तब भी कुछ नहीं किया. ऑस्ट्रिया टेकन ओवर, ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया. तब भी ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं किया.
उल्टे नेविल चेंबरलेन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हिटलर को खुश करने के लिए उससे मिलने गए. ही अपीजेस हिटलर एंड ही गिव्स रिटन लैंड टू हिम 1938. तो हिटलर की तो हिम्मत खुलती चली जा रही है. अब अब अपनी बड़ी सेना के साथ उसने चेकोस्लोवाकिया पे हमला कर दिया. ब्रिटेन एंड फ्रांस स्टिल डू नथिंग. अब हिटलर पोलैंड पे हमला करने की तैयारी में है, लेकिन उसके पहले उसे अपनी तैयारी यह करनी है कि रूस को दोस्त बनाना है. यूएसएसआर एंड नाजी पैक्ट, इकोनॉमिक पैक्ट, प्लस मिलिट्री पैक्ट. पहले इकोनॉमिक पैक्ट हुआ, फिर मिलिट्री पैक्ट हुआ, फिर सीक्रेट पैक्ट हुआ. एंड हिटलर प्लान्स टू टेक सोवियत रूस और नाजी का आर्थिक संधि और सैन्य संधि. और हिटलर ने अब प्लान बना लिया पोलैंड पर हमला. यह प्रथम यह द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआती पॉइंट माना जाता है जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि यह होते ही ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी. 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक ये वॉर चला था. ये वॉर की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 और आखिरी ट्रीटी पर संधि पर हस्ताक्षर हुए 2 सितंबर 1945. तो इस हमले को वर्ल्ड वॉर टू का पहला बेलिजरेंट एक्ट माना जाता है, प्रथम हिंसक हमला. चलिए अब अगली हेडिंग दीजिए. अब आपको एक वर्टिकल टेक्स्ट डायग्राम बनाना है इस तरह से, तो एक फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दीजिए. ऑलमोस्ट फ्रेश पेज भी चलेगा. द राइज ऑफ हिटलर. हिटलर का उदय. डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए. समझ में आ रहा है ना कैसा स्टेप बाय स्टेप वो चला है. अब थोड़ा सा एक और हमको कुछ चीजें और जो छूटी हैं वो भी कवर करनी है. द राइज ऑफ हिटलर. तो इस तरह वर्टिकली लिखना शुरू कीजिए. सबसे पहले लिखिए, दिस इज हाउ यू विल राइट इट, द राइज ऑफ हिटलर. ऐसे बनाते जाना है आपको. सबसे पहले लिखिए, जर्मन एम्पायर डिजॉल्व्ड इन द जर्मन रेवोल्यूशन 1918-19 के क्रांति में जर्मन साम्राज्य भंग कर दिया गया. जर्मन एम्पायर डिजॉल्व्ड इन द जर्मन रेवोल्यूशन 1918-19. जर्मन साम्राज्य भंग कर दिया गया. एरो डालिए नीचे. सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक ब्रैकेट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वाइमर प्रजातंत्र का गठन. फॉर्मेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एरो डालिए. तीसरा स्टेप, स्ट्रगल बिटवीन वाइमर सपोर्टर्स, वाइमर समर्थकों एवं स्ट्रगल बिटवीन वाइमर सपोर्टर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट. दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे. लेफ्ट वाले एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहा था? कम्युनिस्ट, साम्यवादी. और राइट वाले एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहा? नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि नाजी.
स्ट्रगल बिटवीन वाइमर सपोर्टर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑन लेफ्ट एंड राइट, वाइमर समर्थकों एवं साम्यवादी व नाजी अतिवादियों में संघर्ष। इसके साइड में लिख दीजिए 1920s, 1920, मतलब ये 1920 के दशक में चलता रहा। हिटलर की जो पहली सभा थी बड़ी मजेदार थी। हिटलर थोड़ा शर्मीला सा आदमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कर्नल की ड्यूटी निभाकर लौट, बड़ा दुखी जर्मनी की स्थिति देखकर, तो एक टाउन हॉल में उसको भाषण देने के लिए बुलाया गया। वो भाषण देने के लिए स्टेज पर चढ़ा, डरते डरते सकुचाते सकुचाते बोलना शुरू किया, माय ब्रदर्स ऑफ जर्मनी, कोई उसकी सुन नहीं रहा था। तो जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा था उसने बोला, एक्सक्यूज मी, कैन वी प्लीज लिसन टू व्हाट आवर फ्रेंड हैज टू से। अब आग लगी। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, द पीपल ऑफ जर्मनी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीवन। और फिर जो वो भड़का तो लोग बस सिर्फ सुनते ही रह गए कि हाँ भाई आप तो बोलते रहो और बोलो किसको मारना है अब। वो उदय था हिटलर का। वहां जैसे ही वो मीटिंग कंडक्ट करने वाले ने बोला, ब्रदर्स प्लीज साइलेंस, लेट अस लिसन टू व्हाट आवर फ्रेंड हैज टू से, वहां जो स्पार्क लगा हिटलर को, वहां से उसकी ओरेटोरी की पूरी शुरुआत हुई। एरो डाल के लिखिए, राइज ऑफ नाजी पार्टी एंड नाजी पार्टी का उदय एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हिटलर एज चांसलर, और हिटलर का चांसलर के रूप में पद स्थापना। राइज ऑफ नाजी पार्टी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हिटलर एज चांसलर बाय प्रेसिडेंट वॉन हिंडनबर्ग, और हिटलर की चांसलर के रूप में पद स्थापना राष्ट्रपति वॉन हिंडनबर्ग द्वारा, जो नफरत करते थे हिटलर से, बड़े अच्छे इंसान थे और उन्होंने ये देख लिया था कि ये हिटलर मरवाएगा, लेकिन उसके पास सीटें थी, मेजॉरिटी थी और जर्मनी आग में जल रहा था। तो हिटलर ने प्रेसिडेंट को बोला, देखिए जर्मनी को बचाना है साहब तो रास्ता है कि आप मुझे चांसलर बनाओ। और भयंकर गुस्से के साथ प्रेसिडेंट पैलेस में वॉन हिंडनबर्ग ने उसको पद की शपथ दिलाई, और वो दिलाते ही वॉन हिंडनबर्ग ने बोला अब तो जर्मनी समाप्त हो गया, और एग्जैक्टली वही हुआ। इसके साइड में लिखिए जनवरी 30, 1933, ठीक है, एरो डालिए। हिटलर एक्सरसाइजेस इमरजेंसी पावर्स, हिटलर द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, कमा अज्यूम्स प्रेसिडेंट्स पावर्स आफ्टर हिज डेथ, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उनकी शक्तियों का विलोपन। हिटलर एक्सरसाइजेस इमरजेंसी पावर्स कॉमा, हिटलर द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कॉमा अज्यूम्स प्रेसिडेंट्स पावर, राष्ट्रपति की शक्तियों का विलोपन कर दिया, अपने आप में मिला ली, कॉमा बाईपासेस द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को दरकिनार कर दिया, कॉमा। चाइना में भी कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन फर्क यह था कि चाइना में कोई एक व्यक्ति इतना डिक्टेटोरियल कभी नहीं बना, माओ से तुंग बने, लेकिन उनके बाद कहीं ना कहीं पार्टी का भी प्रभुत्व रहा, और अल्टीमेटली 7 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पोलिट ब्यूरो सब कुछ तय करती है। अभी हाल ही में चाइना में बो जिलाई को उम्र कैद की सजा हुई है, अगर वो उस करप्शन और मर्डर स्कैंडल में नहीं फंसते, एक या दो साल में 7 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पोलिट ब्यूरो में उनका प्रमोशन होने वाला था, वो चाइना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते। ये बात शी जिनपिंग को भी पता थी, इसलिए धर्मेंद्र पाजी की स्टाइल में चुन चुन के मारा। बाईपासेस द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को दरकिनार कर दिया, कॉमा गेंस डिक्टेटोरियल कंट्रोल ऑन जर्मनी, जर्मनी पर संपूर्ण नियंत्रण, एरो डालिए। रीआर्मिंग एंड एम्पायर बिल्डिंग कमेंसेस, पुनः सशस्त्रीकरण और साम्राज्यवाद फिर से शुरू। उसके आगे
तारीख डाल दीजिए 1935. रीआर्मिंग एंड एम्पायर बिल्डिंग कमेंसेस, पुनः सशस्त्रीकरण और साम्राज्यवाद फिर से शुरू. अब ये उसके आगे का दिख रहा है ना आपको कैसे हुआ था ये. तो ये तीन चीजें जो आपने अभी लिखी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस का पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑन हिटलर, हिटलर्स राइज, हिटलर के आठ स्टेप्स और द राइज ऑफ हिटलर एज अ लीडर, ये तीनों आपको हिटलर की पूरी पूरी कहानी बता देते हैं. एक मिनट दे रहा हूं, तीनों डायग्राम जरा रिवाइज कर लो फटाफट. हिटलर के तीनों डायग्राम रिवाइज कर लो. अब एक लाइन छोड़ के लिखो, बेनिटो मुसोलिनी, इटली में जिस जोकर ने सत्ता संभाली थी उसके ऊपर भी एक छोटा सा पैराग्राफ. उसको जोकर ही कहा जाता था क्योंकि वो जिस तरह से भाषण देता था वो हिटलर को कॉपी करने की कोशिश करता था. तो वो भाषण देते देते बड़ा रिडिकुलस हो जाता था. वो कभी भाषण देते देते ऐसे खड़े हो जाता था काफी देर तक के लिए बिना कुछ बोले, तो लोग हंसने लगते थे और वो समझता नहीं था, इसलिए उसको जोकर कहा गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बेनिटो मुसोलिनी. मीनवाइल बाय 1932, इस दौरान 1932 तक, मुसोलिनी हैड अज्यूम डिक्टेटोरियल पावर इन इटली. इटली में मुसोलिनी ने संपूर्ण सत्ता हथिया ली थी, कमा टर्निंग इट इनटू अ पुलिस स्टेट, और इटली को पुलिस राज्य बना दिया था, फुल स्टॉप. ऑल्दो इटली वॉज अ विनर इन द वर्ल्ड वॉर वन, ये बहुत कमाल की बात है, वर्ल्ड वॉर वन में इटली एक विजेता था, याद कीजिएगा, इटली सेंट्रल पावर्स में नहीं आता था. Although Italy was a winner in World War I, हालांकि इटली प्रथम विश्व युद्ध में विजेता पक्ष में था, कमा. तो बताइए फिर इटली में इस तरह के अतिवादी लोग कैसे उठ गए? आंसर आपके सामने है, बोलिए. यस, नहीं 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 नहीं, अरे ग्रेट डिप्रेशन कहां गया? ग्रेट डिप्रेशन, ये सब ग्रेट डिप्रेशन से हुआ था ना. तो इटली हालांकि विजेता पक्ष में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ने इटली को भी ऐसी मार मारी कि वहां भी बेनिटो मुसोलिनी जैसे अतिवादी लोगों को उठने का मौका मिल गया. ऑल्दो इटली वाज अ विक्टर इन वर्ल्ड वॉर वन कॉमा, बट द ग्रेट डिप्रेशन हैड कॉज्ड एनार्की, लेकिन महामंदी की वजह से अराजकता फैल चुकी थी. तो अब इटली में क्या हो गया था कि ये जो फासिस्ट थे, इसके नीचे डायग्राम बना लीजिए छोटा सा, फासीवादी यानी बेनिटो मुसोलिनी की इटालियन फासिस्ट पार्टी, ये तीन लोगों से एक साथ लड़ रहे थे और इनके पास खुद की पैरामिलिट्री थी. ये तीन लोगों से एक साथ लड़ रहे थे, सबसे पहले एनार्किस्ट, अव्यवस्थावादी एनार्किस्ट, हर जगह जाके आग लगा देना, पत्थर फेंक देना, सर फोड़ देना, मार डालना, एनार्की, एनार्किस्ट्स. तो इनकी कोई विचारधारा नहीं होती, ये तो अव्यवस्थावादी कम्युनिस्ट, साम्यवादी, क्योंकि रशिया से सपोर्ट मिल रहा था ना, जोसेफ स्टालिन साहब हर तरफ रूसी साम्यवाद फैलाने की फिराक में थे. और समाजवादी, तो फासिस्ट्स वर्सेस, तीन गुट एक साथ थे जिनसे फासीज अपने, फासीवादी लोग अपने पैरामिलिट्री के दम पे भिड़े हुए थे. चलिए अब फ्रेश पेज देना पड़ेगा, टाइटल दीजिए जर्मन रशियन पैक्ट, जर्मन रूसी संधियां. तो इस तरह से आपको मैं संधि बताऊंगा, तारीखें बताऊंगा और उनसे जुड़े तीन तीन चार चार महत्वपूर्ण चीजें बताते चलूंगा. हाँ,
नहीं, आरएसएस बीजेपी तो पॉलिटिकल, आरएसएस इज अ सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी इज अ फुल फ्लेश्ड लीगली ऑथराइज नेशनल पार्टी, दे आर नॉट पैरामिलिट्रीज। भारत में मिलिट्री तो एक ही है, पैरामिलिट्री कौन कौन है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआरपीएफ करता है ना, सीआईएसएफ करता है, सॉरी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब पैरामिलिट्रीज होती है। मतलब मिलिट्री और पुलिस के बीच में आती है पैरामिलिट्री। देखिए फासिज्म इज ऑल अबाउट एक्सट्रीम राइट विंगिज्म। एक्सट्रीम राइट विंगिज्म का मतलब होता है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड।